Hey everyone and welcome back. Hope you all are good and safe. आज की वीडियो होने वाली है सेल्फ डूइंग कर्ल्स के बारे में. आप खुद से कर्ल्स कैसे कर सकते हो इसका मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगी. तो वीडियो को स्टार्ट. सो गाइज, हेयर आई एम यूजिंग अ कॉनिकल टोंग मशीन फ्रॉम मिस्टर बार्बर और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया हुआ है 200 तक और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे वीडियो में बताई हुई है कि आपके कौन से बालों पे कितना टेम्परेचर आपको सेट करना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडल पार्टीशन करना है, आपको सेंट्रल प्रोफाइल लेना है, फिर आपको थिन थिन वर्टिकल सेक्शंस लेने हैं और आपको टोंग करना है और बहुत ही केयरफुल आपको करना है, नहीं तो आपके हाथ जल भी सकते हैं. तो ये करने के लिए गाइस हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं और यहाँ पे मैंने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ किया था. आप कोई भी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ कर सकते हो और ये कर्ल्स 2 से 3 दिन तक एज इट इज़ रहते हैं. सो कीप ऑन वॉचिंग. गाइस, तो वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें मैंने बताया है आपको स्टेप बाय ट्यूटोरियल कि आपको सेल्फ में कर्ल्स कैसे करने हैं. यहाँ पे मैंने इजीली बनाए हुए हैं, इसके लिए आपको 20 से 30 मिनट लग सकते हैं. देख सकते हो आप, बहुत ही इजीली और बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये कर्ल्स. और इसके लिए मैंने यूज़ किया है मिस्टर बार्बर की कर्लिंग मशीन, इसको बोलते हैं कॉनिकल टोंग मशीन. ये ऐसी दिखती है और इसका टेम्परेचर मैंने रखा था 200. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं तो आप इसको 180 रख सकते हो. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं तो आप इसको 230 तक भी रख सकते हो. तो गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में.